गाइस, मैं रंजीता एंड यू वाचिंग हेल्थ जोन, जहाँ हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे मैं आपके लिए नई नई इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर ले, सो दैट कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। गाइस, पीरियड आज भी हमारी सोसाइटी में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बातें करने से लोग हिचकिचाते हैं। लड़कियां इसके बारे में बातें नहीं करना चाहती हैं, उसे दूर भागती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उन्हें आगे चलकर काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सो दैट कि आने वाली फ्यूचर में जो हमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है उससे बचा जा सके। सबसे पहली बात जो हमें खास ख्याल रखनी चाहिए, हमें अपने नैपकिन को लेकर कभी भी केयरलेस नहीं होनी चाहिए, और कपड़े की तो नैपकिन हमें कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए जिसमें काफ़ी इन्फेक्शन का खतरा होता है। आप हमेशा सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करें और इसे यूज़ करते भी ख्याल रखें कि आपको एक ही नैपकिन सारा दिन यूज़ नहीं करना, जिससे इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी बढ़ सकता है। आपको इसे हर 5-6 घंटे में चेंज करते रहना, सो दैट कि आप इन्फेक्शन से बच सको। ऐसे टाइम में आप कपड़ों का सिलेक्शन अपने लिए थोड़ा सोच समझ कर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जनरली देखा जाता है कि लड़कियां टाइट कपड़े, टाइट जीन्स, टाइट बॉडी फिटेड कपड़े पहनना प्रेफर करती है, बट ड्यूरिंग पीरियड्स आप अगर इन्हें थोड़ी दिनों के लिए छोड़ दें और कंफर्टेबल लूज कपड़े पहने तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आप ही कंफर्टेबल फील करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपनी बॉडी की हेल्थ हाइजीन का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। आपको अपनी बॉडी की साफ सफाई करते रहनी होगी, प्रॉपर वे में करते रहनी होगी, साथ ही आपको खास तौर पर अपने प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई भी करते रहनी चाहिए, सो दैट कि आप इन्फेक्शंस और रैशेज से बच सको। गाइस, कभी कभी पीरियड्स के दौरान हमारी बॉडी में काफ़ी वीकनेस आ जाती है, ऐसे टाइम पे आप अपनी डाइट को लेकर खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा और अच्छे से खाते पीते रहना पड़ेगा। मूड स्विंग्स भी ऐसे टाइम में काफ़ी कॉमन होते हैं, आपको मूड स्विंग्स आएंगे, आप चिड़चिड़ापन आएगा, ऐसे टाइम में आप अपनी हॉबीज पे फोकस कर सकते हो। आप ऐसा काम करें जो आपका मन हो, जिसमें आपका मन लगे, तो ऐसे में आप इस सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, ये मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, आप इससे बच पाओगे। बहुत सारी लेडीज को लगता है कि वो पीरियड्स के दौरान प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बट गाइस ये सच नहीं है। आप पीरियड्स के दौरान भी प्रेग्नेंट हो सकते हो, बट ये सेफ नहीं होता। ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, तो ऐसे टाइम में आप इसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी ओपिनियंस शेयर कर सकते हो और मुझे ये भी एडवाइस कर सकते हो कि मुझे आगे कौन सी टॉप वीडियोस बनानी चाहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।